रिया चक्रवर्ती की जिम पार्टनर रह चुकी हैं रकुला प्रीत, पॉकेट मनी के लिए करती थी ऐसा काम। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। ड्रग एंगल मामले में दिवंगत एक्टर की गर्ल फ्रेंड रिया चक्रवर्ती जेल में बंद है। यहां पर रिया ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की टीम के सामने बॉलीवुड के 25 ऐसे सेलेब्स के नाम का खुलासा किया है जिनका कनेक्शन ड्रग्स से है। इस लिस्ट में 5 हस्तियों के नाम सामने भी आ गए जिसमें एक ट्रेस सारा अली खान और रकुल अप्रीत सिंह का नाम सबसे टॉप पर है। रिया चक्रवर्ती ने खुलासा किया कि वो सारा, रकुल और सिमोन अबांटा एक साथ ड्रग्स का सेवन करते थे। रिया के इस खुलासे के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर सोशल मीडिया में हंगामा मच गया। साथ ही सारा और रकुल लोगों के नजरों में भी आ गई है। सोशल मीडिया पर अब सारा अली खान और रकुल अप्रीत का रिया चक्रवर्ती से कनेक्शन निकाला जा रहा है। हर कोई जानता है कि सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को डेट किया था जिस वजह से दोनों ही एक ट्रेस एक दूसरे को अच्छी तरह जानती है। लेकिन अब रकुल अप्रीत और रिया चक्रवर्ती की कनेक्शन भी सामने आ गया है। जानकारी मिली है कि रकुल अप्रीत और रिया चक्रवर्ती जिम पार्टनर हैं, यानी कि रिया और रकुल दोनों एक ही जिम में जाते थे। दोनों अक्सर एक साथ ही जिम करते हैं जिस वजह सोशल मीडिया पर दोनों का एक साथ वर्कआउट करते हुए कई वीडियो हैं। रकुल अप्रीत ने महज 18 साल की उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी। साल 2009 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म गिल्ली से एक टिंग की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन कम लोग जानते हैं कि ये फिल्म रकुल अप्रीत ने सिर्फ अपनी पॉकेट मनी के लिए की थी ताकि उन्हें एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिल सके। हालांकि इस फिल्म में रकुल के काम को काफी ज्यादा पसंद किया गया जिसके बाद साउथ में उन्हें एक के बाद एक फिल्म मिलती रही। रकुल अप्रीत साउथ की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में आ गई। रकुल अप्रीत ने फिल्म यारियां से बॉलीवुड में डेब्यू किया लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद एक ट्रेस कई बड़ी फिल्मों में नजर आई लेकिन बॉलीवुड में एक ट्रेस फैंस पर अपना सिका नहीं जमा पाई। बॉलीवुड में रकुल रिया की तरह ही एक फ्लॉप एक ट्रेस बनकर रह गई है। हालांकि अब रिया के खुलासे के बाद रकुल अप्रीत NCB की रडार पर है।